हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गज़लर में। तो आज मैं आ गया हूँ चांगी एयरपोर्ट, है ना। चांगी एयरपोर्ट पे एक बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन है, HSBC रेन वॉर्टेक्स। ओके, तो चांगी एयरपोर्ट जो है ये चांगी एयरपोर्ट लाइन 2 पर है, चांगी एयरपोर्ट शटल लाइन 2 पर है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये चांगी एयरपोर्ट शटल लाइन 2 CG2 मेंशन है, यहाँ पर है। और यहाँ आने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, या तो आप ईस्ट वेस्ट लाइन पे ताना मीरा आ जाइए, जो ईस्ट वेस्ट लाइन 4 पे है, और वहाँ से चांगी एयरपोर्ट की शटल ले लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप एक्सपो तक डाउनटाउन लाइन पे आ जाइए। एक्सपो जो है चांगी एयरपोर्ट शटल लाइन 1 या डाउनटाउन लाइन 35 पर है, तो वहाँ से आप चांगी एयरपोर्ट के लिए शटल ले लीजिए, ठीक है ना। तो चांगी एयरपोर्ट आने के बाद में ये देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन दिया हुआ है, टर्मिनल 1 और 3 के लिए लेफ्ट में जाना है और टर्मिनल 2 और 4 के लिए राइट में जाना है ना। ये डायरेक्शन का आपको जरा ध्यान रखना है। तो यहाँ से HSBC रेन वॉर्टेक्स कैसे जाना है? HSBC रेन वॉर्टेक्स जो है वर्ल्ड का टॉलेस्ट इंडोर वाटरफॉल है ना। तो वहाँ तक कैसे जाना है वो मैं आज आपको दिखाता हूँ, कौन सा एग्जिट लेना है। और दूसरी चीज़, मैं आपको एक्चुअली इंडिया के लिए जो ज़्यादातर फ्लाइट्स हैं वो टर्मिनल 2 से डिपार्ट होती हैं, तो चांगी एयरपोर्ट आके टर्मिनल 2 की तरफ इजीली कैसे जाना है, कौन सा एग्जिट लेना है, वो आज मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। तो टर्मिनल 2 के लिए तो देखिए, यहाँ पे जहाँ पे मार्क है टर्मिनल 2 और 4, इस डायरेक्शन पे जाना है और यहाँ इसको फॉलो करते जाना है, है ना। ये एक मैं आपको दिखा दूंगा। और तो दूसरा मेन HSBC रेन वॉर्टेक्स, बहुत ही अच्छा वाटर शो होता है उसका नाइट के समय, है ना। वहाँ पे एक फनल शेप का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके अंदर से वाटरफॉल होता है और 3 लेवल पे हम उसको खड़े होकर देख सकते हैं, और नाइट को वहाँ रेन शो भी होता है। तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाना है हमें HSBC रेन वॉर्टेक्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जहाँ पर टर्मिनल 1 और 3 है, इसी तरफ क्राउन प्लाजा और ज्वेल मैंशन है, तो हमें ज्वेल की तरफ जाना है, ठीक है। दूसरा डायरेक्शन है टर्मिनल 2 और 4, 2 जहाँ से इंडिया के लिए फ्लाइट डिपार्ट होती है, वो डायरेक्शन ना जाके हमें ज्वेल वाली लाइन पे जाना है जहाँ पे ज्वेल लिखा हुआ है। ओके, तो टर्मिनल 1 और 3, क्राउन प्लाजा और ज्वेल जहाँ पर है, उस डायरेक्शन में हमें जाना है HSBC रेन वॉर्टेक्स के लिए। तो चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ। ये टर्मिनल 1, 3 एंड ज्वेल, क्राउन प्लाजा होटल एंड ज्वेल, इसी डायरेक्शन में हमें जाना है। यहाँ ऊपर आते ही ज्वेल के लिए इन्होंने मार्क किया है कि एस्केलेटर से ऊपर जाना है। ओके, तो हमें अब चलना है एस्केलेटर से लेफ्ट साइड में। तो फ्रेंड्स, ये मैं आ गया हूँ टर्मिनल 3 डिपार्चर जहाँ पे मेंशन है वहाँ, और यहाँ पे राइट साइड में मार्क्ड है ज्वेल, तो हमें ज्वेल की तरफ जाना है। ओके, तो फ्रेंड्स ऊपर आके हमें राइट लेना है, राइट में यहाँ मार्क है ज्वेल, इस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें जाना है। ये देखिए, यहाँ पर भी मेंशनड है क्राउन प्लाजा होटल, स्काई ट्रेन, बस टू टर्मिनल 4 एंड ज्वेल। ओके, तो ये फ्रेग्रेंस का स्टोर है, इसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए हमें आगे जाना है। यहाँ पर फिर से आगे स्ट्रेट ज्वेल मेंशनड है, मतलब दिया हुआ है इन्होंने, मार्क किया हुआ है, और ज्वेल में ही इन्होंने HSBC रेन वॉर्टेक्स जो है वो उसकी पिक्चर बना के शो की हुई है। ये देखिए, ये तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है SEE, ये HSBC रेन वॉर्टेक्स है। ओके, तो ज्वेल के लिए हमें ये पैसेज फॉलो करना है।
और ये हम ज्वेल की तरफ जा रहे हैं आगे। थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना है ये बीच में जो पाथवे है इसको क्रॉस करते हुए, और ये पाथवे आई गेस टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच का पाथवे है। और ये देखिए ये यहाँ कटा हुआ, और ये हमने पाथवे क्रॉस किया और उसके बाद हमको राइट टर्न लेना है। एक और पाथवे आ गया। एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हम वापस जब भी MRT की तरफ जाएंगे तो हमें लेवल 3 से जो लिंक ब्रिज है, जो लिंक और ब्रिज है उस पे जाना है। तो HSBC रेन वॉर्टेक्स देखने के बाद अगर वापस हमें MRT की तरफ जाना है तो लिंक ब्रिज से लेवल 3 से लिंक ब्रिज लेना है और फिर हमें MRT की तरफ जाना है। और डायरेक्शन हर जगह मेंशन रहेगा। अभी मैं आ गया हूँ लेवल 3 पे। देखिए मैं यहाँ पे दिया हुआ है लिंक ब्रिज टू लेवल 3। ओके, तो लेवल 3 पे आना है। तो लेवल 3 पे जो लिंक ब्रिज है वहां से हमें MRT की तरफ जाना है। ओके, पाथ आते ही यहाँ पे कैनोपी पाथ को यॉर्की लैब दिया हुआ है। यहाँ पे शिडो फॉरेस्ट वैली जहाँ है हमें उस डायरेक्शन में चलना है। और ये देखिए सामने, एग्जैक्ट सामने पाथ क्रॉस करते ही रेन वॉर्टेक्स आ गया। अब इसी को देखने के लिए मैं जरा नीचे वाले लेवल पे जाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं नीचे चल के जरा आपको शो करता हूँ नीचे वाले लेवल से HSBC रेन वॉर्टेक्स कैसा दिखाई देता है। वहाँ से भी बहुत सुंदर दिखता है, अलग अलग डिफरेंट कलर में, और यहाँ पे एक शो भी होता है। आई डोंट नो वो अभी बंद हो गया या अभी स्टार्ट होगा। तो जरा पहले मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये हम आ गए लेवल 2 पे, है ना। तो लेवल 3 से मैंने आपको दिखाया और अभी हम लोग लेवल 2 पे आ गए। ये लेवल 2 से मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको एक और नीचे वाले लेवल पे यानी लेवल 1 पे लेके चलता हूँ। वहां से रेन वॉर्टेक्स कैसा दिखता है आपको दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स, मोनोरेल या शटल से चांगी एयरपोर्ट आने के बाद आपको डायरेक्शन 1 और 3 मीन्स टर्मिनल 1 और 3 या क्राउन प्लाजा जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन पे की तरफ आना है, मतलब ज्वेल जहां मेंशनड है ना। तो ज्वेल टर्मिनल 1 और 3 वाली जो डायरेक्शन है वहां पे ज्वेल उसी डायरेक्शन में ज्वेल दिया हुआ है और वहीं पे हम वहीं से हमें आना है। ये देखिए, अब मैं आपको ये लेवल 1 पे आ गए, शायद 1 से कैसा दिखता है ये दिखाता हूँ आपको। HSBC Rain Vortex World's tallest indoor waterfall है, बहुत ही सुंदर व्यू है। और इसके पास ले जाके जरा आपको दिखाता हूँ कैसा लगता है ये। ये देखिए, पानी अंदर की तरफ जा रहा है और अंदर भी नीचे कैसा दिखता है वो मैं अभी आपको जरा ले जाके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे थोड़े थोड़े पानी के छींटे भी आ रहे हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको और नीचे ले जाके दिखाता हूँ और कैसा दिखता है। ज़ारा की तरफ मैंने एग्जिट किया है, आगे सामने लॉबी F शो कर रहा है। ये B1 है, बेसमेंट 1 है। और ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसा दिखता है। इसके भी नीचे जो लेवल है वहां मैं आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए, नीचे मैं आपको भी लेके जाऊंगा। यहाँ से ये ऐसा दिख रहा है, मैं ज्यादा पास आ गया हूँ। सो लेट मी टर्न। बेटर है मैं नीचे वाले लेवल पे चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से ऐसा दिख रहा है। मैं नीचे वाले लेवल पे आपको लेके चलता हूँ। अभी हम B1 में हैं, तो B2 में मैं आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स, ये हम B2 में आ गए हैं, लेवल B2 पर। ये देखिए, ऊपर से जो आ रहा है वो देखिए कितने ऊपर से आ रहा है। ओह माय गॉड, पास से कुछ बहुत ज्यादा समझ नहीं आएगा बट बहुत ही अमेजिंग है ये। ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है। बस हमें क्राउन प्लाजा या टर्मिनल 1-3 वाली डायरेक्शन की तरफ से आना है। वो लिंक ब्रिज जो है उसको क्रॉस करना है और स्ट्रेट ही हमें HSBC रेन वर्टेक्स दिखेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं वापस लेवल 2 पे आ गया हूँ। मेरे को यहाँ से व्यू सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। Yeah.
जो वाटर शो है एक, इसमें इमेजेस बनती हैं वो अभी दिखा नहीं रहे, अदरवाइज यहाँ पे इमेजेस भी अंदर बनती रहती हैं जब शो स्टार्ट होता है शायद तब। चलिए मैं आपको और ऊपर लेवल 3 पे लेके चलता हूँ। ये मैं आ गया लेवल 3 पे, लेवल 3। तो लेवल 3 में किस जगह से हम लोग रेन वॉर्टेक्स को देख सकते हैं वो मैं आपको जरा बताता हूँ अभी। मतलब जितने ऊपर हम जाते हैं ना उतना ही अच्छा दिखता है, पता नहीं यहाँ से व्यू दिखेगा या ओपन है या नहीं है। चलो मैं लेके चलता हूँ आपको। इधर है, सैलड बफेट वाला जो एरिया है यहाँ पे है, इसके ऊपर भी लेवल है, वहां से भी लोग देख रहे हैं, वहां पे भी मैं लेके चलता हूँ। पता नहीं यहाँ से शायद मैंने आपको दिखाया था या नहीं, अभी रेनफॉल का कलर अभी चेंज हो गया है, रेड कलर हो गया अभी, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर भी आई गेस 2 लेवल है। चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको ऊपर, है ना। ये लेवल 4 है और लेवल 4 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। हम और ऊपर चलते हैं, मे बी आई गेस वो लेवल 5 पे हम चल रहे हैं। ये यहाँ पे है सुल्तान्स ऑफ शेव, ओ बाबा, डिलक्स शेव $49, सुल्तान शेव $70। ओके, सुल्तान्स ऑफ शेव में आना है अगर बियर्ड सेट करानी है या शेव करवाना है तो ये हम आ गए लेवल 5 पे। ओ ये देखिए, दिस इज लेवल 5, ये लेवल 5 है। अरे यहां से अच्छा व्यू दिख रहा है, लेकिन चलिए मैं आपको दूसरे डायरेक्शन में लेके चलता हूँ। द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग। तो फ्रेंड्स ये था HSBC रेन वॉर्टेक्स, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है वर्ल्ड में, इतना टॉलेस्ट वाटरफॉल, इंडोर वाटरफॉल कहीं पे भी नहीं है ना, तो बहुत ही शानदार है, बहुत बढ़िया है। तो कैसे आना है मैंने आपको बता ही दिया, शटल चांगी शटल पे आने के बाद डायरेक्शन 1 टर्मिनल 1 और 3 वाली डायरेक्शन में जाना है हमें, क्राउन प्लाजा की तरफ या ज्वेल की तरफ, बस ज्वेल की डायरेक्शन फॉलो करते जाना है और आपको आप HSBC रेन वॉर्टेक्स पे आ जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ और मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके।